बीजेपी कार्यकर्ता और रीवा विधायक प्रतिनिधि राजेश पांडे ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्वयं और अपने सरपंच भाई के विरुद्ध हुई लोकायुक्त की जांच के बारे में जानकारी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा नेता और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि राजेश पांडे ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि वो पिछले 15 वर्षों से पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके कार्य और लोकप्रियता को देखकर कुछ लोगों ने जानबूझकर बदनाम करने की नीयत से झूठी और मनगढ़ंत शिकायतें पूरे परिवार के विरुद्ध दर्ज कराई हैं, जिनमें उनकी पत्नी और सरपंच भाई शेषमणि पांडे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद लोकायुक्त की विशेष पुलिस टीम के द्वारा मामले की जांच की गई। सरपंच ग्राम पंचायत भिटुआ के विरुद्ध शिकायतों को निराधार और द्वेष भावना से प्रेरित बताते हुए सभी प्रकरणों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ पहला केस है जिसमें लोकायुक्त की टीम ने किसी भी मामले में अभियुक्त को दोषी नहीं पाया। इसके अलावा उन्होंने लक्ष्मण बाग गौशाला में गायों की स्थिति पर बात करते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। शुक्ला जी, ये पिताजी की इच्छा से लक्ष्मण बाग में विस्तारित गौशाला शुरू की गई। उस गौशाला में चलते 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 दो पहले प्रशासन चलाया, जब प्रशासन ठीक से नहीं चला पाया तो फिर उसको दो वर्ष के लिए अध्यक्ष बनते गए और हम दिसंबर 2016 से 2018 तक हम अध्यक्ष थे लक्ष्मण बाग के। इसी तरह बसामन मामले गौ अभ्यारण्य खोला गया और वो गौ अभ्यारण्य के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा थी, लेकिन उसके लिए मंत्री जी ने ही अपने सीएसआर मद से खनिज और उद्योग से 50-50 करोड़ रुपए दे के गौशाला का निर्माण कराए। और बड़ी बहुत रोचक बात है और मध्य प्रदेश में पहली बात है, मध्य प्रदेश में 602 गौशालाएँ हैं पंजीकृत। लेकिन दिसंबर में जब चुनाव हुआ, सरकार बदली, तो सरकार ने ये कहा कि देवस्थान की जो भी समितियां हैं उनको भंग की जाती है और वो देवस्थान की मैहर और चित्रकूट ओरछा को लेकर के था। लेकिन देवस्थान की समितियों में देवस्थान की समिति नहीं भंग की गई, बल्कि लक्ष्मण बाग गौशाला संचालन समिति भंग कर दी गई। आदेश था कि देवस्थान की समितियों को, और यद्यपि मैं कलेक्टर को, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अध्यक्ष रहूँ, मैं ये कहता गया कि कमेटी में आप किसी को रख लीजिए, गौशाला चले, गौ माताओं का की सेवा हो, इसलिए कि मंत्री जी ने 2 सेवा केंद्र खोले हैं। यहाँ भी मंत्री जी के कारण वेतन मिलता है। यहाँ के लिए मंत्री जी ने, उनके पिताजी 54,000 महीने मंत्री जी दे रहे हैं यहाँ लक्ष्मण गौशाला। बसामन मामा गौशाला में 2 करोड़ का एफडी कराए और 1,37,00,000 रुपये ब्याज आती, 1,25,000 कर्मचारियों को वेतन, और जब हम गौशाला छोड़े हैं तो 30,00,000 रुपए के साथ हम गौशाला छोड़े हैं। बसामन मामा गौशाला में, बसामन मामा गौशाला में अखिलेश्वरानंद जी गौशाला शुरू हुई तो 10,00,000 रुपए दिया गया। और फिर उसके बाद दिसंबर में ये पत्र हमारे पास है, 30/3/2019 का ये पत्र है, और ये पत्र में है, इस पत्र में 19,77,750 रुपये बसामन मामा गौशाला के लिए ऐसा दिया गया। कुल पहले जब हम, चूँकि गौशाला संचालन संघ के अध्यक्ष के साथ जिला गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, इस नाते यहाँ पहले 2008 तक ये भी गौशाला 5 गौशाला को लक्ष्मण बाग को भी दिया गया 3,51,000 रुपये। तो जब ये पैसा वहाँ था तो 19,77,000 ये पैसा था और 10,00,000 पुराना पैसा था, कुल मिलाकर के 30,00,000 पैसा था। तो हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि भाई 30,00,000 आपके पास पैसा है, मई में आप, अप्रैल मई में आप टेंडर निकाल लीजिए और 500 रुपये कुंटल उस समय भूसा मिलते तो 6,000 कुंटल भूसा इकट्ठा हो सकता था और 6,000 कुंटल भूसा से बसामा मामा भी गाय खा सकती थी और लक्ष्मण बाबा भी खा सकती थी। तो प्रशासन ने यहाँ चूक किया कि पैसा होते रहते हुए भी इन लोगों ने टेंडर नहीं निकाला। टेंडर भी जब हम डंडा डालें, जब हम मंत्री जी को इन्वॉल्व करें, तब ये किसी को बुला करके 50 कुंटल करते थे। तो पहली बात तो ये कि पैसा होते हुए इन लोगों ने भूसा नहीं खरीदा, टेंडर नहीं निकाला। दूसरी बात, यहाँ क्या था कि आप सभी को मालूम है कि एक्सीडेंटल गौवंश हमारे पास हनुमाना से लेकर के और मऊगंज तक के चाकघाट तक के आते, और यहाँ तक कि हम लोगों ने यहाँ पर ये बकिया बराज से भी गाय निकाली थी। मतलब ये भी नहीं था कि हम रीवा के लिए केवल करें, बकिया बराज सतना जिले में था, वहाँ से भी हमने 250 गाय को निकाल कर लाए थे। एक्सीडेंटल गाय आती थी, उनकी दवा होती थी। हमारे समिति में 55 लोग रहा करते थे, हम लोग साल में 5,000 रुपये इकट्ठा करते थे।
तो 5,000 मिनिमम चार्ज था कि कम से कम देना है, और जो अध्यक्ष बनेगा 20,000, जिसके पास पैसा अधिक भी दे सकता है, उसे मंत्री जी का पैसा अलग से था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।